हैं अगली खबर की ओर। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर के बीच 3,61,00,000 से बना एफओबी, जो अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर तक मरीजों को विशेषकर मृतकों के शवों को ट्रॉमा से अस्पताल में बने शवगृह तक लिफ्ट के माध्यम से ले जाने का उद्देश्य से बनाया गया, जिसका निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा करीब 1 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, लेकिन आज भी करोड़ों की लागत से बना यह एफओबी इसमें लगने वाली लिफ्ट के बगैर सोपीश बनकर रह गया है। जबकि स्वास्थ्य विभाग कई बार संबंधित विभाग को लिफ्ट लगाने के लिए पत्राचार कर चुका है। इस आधे अधूरे एफओबी के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में नागरिक अस्पताल के पीएमओ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। फुट ओवर ब्रिज है जो लगभग 3,61,00,000 की राशि से जो बनाया जाना था, इसका जो दो पीडब्ल्यूडी की दो डिविजन इसका काम देख रही है, जो सिविल वर्क है उसका काम लगभग पूरा हो गया। उसमें जो माइनर कमियां हैं उनके बारे में हमने संबंधित शाखा को इन्फॉर्म कर रखा है। जो लिफ्ट का काम है वो भी बकाया है, उसका काम अभी पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल डिवीजन की तरफ से आपने लेटर लिखा, क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला या कोई उनका कोई जवाब आया इस पर? जवाब इसमें सिर्फ सिविल डिवीजन का आया था, उन्होंने कहा था कि हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन उनकी जो कुछ कमी थोड़ी सी कमियां थी, माइनर कमियां हैं जिनको पूरा कर देंगे वो, तो इसके बारे में हमने उनको सूचित कर दिया कि आपकी कुछ कमियां रह रही। हाँ, मेन काम इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है जो उन्होंने पूरा नहीं किया।